दोनों के शोल्डर्स बिल्कुल स्क्वायर होने चाहिए, आमने सामने बराबर होने चाहिए, सेंटर बराबर होना चाहिए। डोंट मूव। एक बार फिर से शुरुआत के काफी करीब, प्रेस लगाने की कोशिश की लेकिन आसानी से रोक दिया धीरज ने, जो उनके फोरआर्म की लेंथ है उसकी बदौलत काफी आसानी से टॉप रोल खेलते हैं तो शोल्डर्स पीछे की ओर जाते हैं, लेकिन जब हम हुक या प्रेस गेम खेलते हैं तो शोल्डर्स आगे की ओर घूमते हैं। वो ही टेक्निक, एक बार फिर से कोशिश की, ब्लॉक कर दिया है थोड़ा इस बार, देखते हैं क्या रणनीति थी। एक फाउल आर्यन को मिला है, उनके हाथ शोल्डर से टच हो गए थे जो कि रूल्स के अगेंस्ट है, इसलिए फाउल मिला है। रेफरी बता रहे हैं कि अभी खुशी मत मनाओ धीरज, अभी पिन नहीं मिली आपको, रीस्टार्ट होगा ये फाउल के बाद ये मुकाबला। शुरुआत हो रही है, और टॉप रोल कर दिया है, अभी किंग्सवो की तरफ गए और पिन कर दिया है धीरज ने। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस, वो फ्लॉप प्रेस काम नहीं आई आर्यन की, जीत लिया है ये चैलेंजर राउंड धीरज ने। कॉन्फिडेंस देखिए, और विजेता है ना सिर्फ 3-0 से बल्कि इस धमाकेदार जीत के साथ 10 पॉइंट किराग हैदराबाद लेते हैं और सीधा 107 पर पहुंच चुके हैं जो है टॉप पोजीशन। अब मुंबई मसल, रोहतक राउडीज, किराग हैदराबाद, तीनों टीम्स